तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे सामने है एक TVS की राइडर 125, जो कि आपको पता है कि कंपनी ने जब इसे लॉन्च किया था तो इतने सारे नए नए वेरिएंट्स के लेके आने की बात कही गई थी कि आपको मैं क्या बताऊं। खैर, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं इस वीडियो में आपको देके जाने वाला हूं। तो यहां पर कुछ ऐसे वेरिएंट थे जो कि आप जान सकते हैं कि 1 लाख रुपये के अंदर तक के कुछ ऐसे वेरिएंट थे जिसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला था। यहाँ पर मैं आपको पहले ही दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको डिस्क वाला वेरिएंट मिल जाता है फ्रंट में, और रियर की बात करें तो रियर में भी आपको ड्रम ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ। तो ये है वो जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रियर में आपको ड्रम तो मिल रहा है लेकिन फ्रंट में आपको डिस्क मिल रहा है। लेकिन जो इसमें एक और वेरिएंट था जिसमें आपको कहा गया था कि दोनों तरफ से आपको फ्रंट और रियर में ड्रम मिलने वाला है, और उसकी प्राइस जो है करीब 80 से 90 हज़ार रुपये के आसपास रखी गई थी। अगर आप ऑफिशियल वीडियोज़ को ठीक से देखो तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि इसके जो चार्जिंग पोर्ट थी वो दिया गया था। खैर, चार्जिंग पोर्ट तो काफ़ी यूट्यूबर्स के कहने के बाद यहाँ पर डाल करके दे दिया गया था, ये वाला आप देख सकते हो। लेकिन यार फिर भी इसमें जो इसका इसमें कसर था वो एक TFT वाला आने वाला था, जो कि करीब करीब 5 इंच का होने वाला था, करीब इतना बड़ा। और उसमें जो है आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस तक को सेव कर सकते हो, RC को सेव कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल पाई। और जो इसमें कहा गया था कि आपको सिंगल चैनल ABS मिल सकता है, लेकिन वो भी अभी तक कंपनी प्रूव नहीं कर पाई और ना ही उसको दे पाई है। यहाँ तक कि कंपनी ने कहा था कि इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लेकिन आप देख लो कि इतना अच्छा इतना प्यारा सा इंस्ट्रूमेंटेशन होने के बाद भी आज भी आपको यहाँ पर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी या फिर आप कह सकते हैं X कनेक्ट नहीं मिलता है। मैं एक बार आपको यहाँ पर ऑन करके दिखा देता हूँ, शायद किसी देश में किसी जगह पर किसी और प्रलोक में मिल रहा हो, लेकिन हमारे कंट्री में इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ तक जो हेलमेट का जो आप सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जिन लोगों को समझ में आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि आखिर ये जो सिंबल है वो यूज़ कहाँ पर करना है। चलो, हेलमेट राइडर ने लगाया है नहीं लगाया है मैं समझ रहा हूँ, नहीं लगाया है तो वो वार्निंग वो कैसे जानेगा, मतलब ये आपका हेलमेट इस इसमें कैसे से फैच कैसे होगा, वो कोई भी जानकारी अभी तक तो फिलहाल नहीं दी गई है। और चार्जिंग की पोर्ट, तो यहाँ चार्जिंग का पोर्ट भी यूट्यूबर्स के कहने के बाद बहुत ज़्यादा बुराई करने के बाद दिया गया था। अब मैं यहाँ पर पुराना कोई वर्जन पड़ा तो नहीं है, मैंने अब मैं आपको दिखा था कि यहाँ पर जो है सिर्फ एक ढक्कन सा लगा दिया गया था ताकि आपको मालूम पड़ सके कि तुमने कुछ कमिंग सून में, लेकिन वो कमिंग सून में क्या है वो अभी तक नहीं मालूम पड़ा। और एक तरह से ये लकटकिया नैनो की तरह है कि जहाँ पर आपको कहा गया था कि 1 लाख के अंदर आपको नैनो मिल जाएगी, जस्ट वैसे ही कुछ यहाँ पर कहा गया था कि 1 लाख के अंदर आपको 125 cc की बाइक में आपको आपका एक डिस्टेंस में कस्टर मिल जाएगा और फ्रंट और रियर में ड्रम मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई। और जो एक और वेरियंट था कि 5 इंच वाले डिस्प्ले वाला, तो वो तो यार अभी तक लोगों का सपना ही है और वो कब आएगा मुझे नहीं पता। अगर आ जाता है तो प्लीज़ यार बता देना और मैं भी आपको बता दूंगा। DRLs की बात करें तो हाँ यार, नो डाउट बाइक में जो DRLs से वो कहीं ज़्यादा बेहतर थे, लुक्स काफ़ी अच्छा है। और इसमें अगर लाइट्स की बात की जाए तो लाइट्स का थ्रो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इंजन काफ़ी पंची है, नो डाउट इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम है अगर तो उस वादे की जो इस बाइक के लॉन्च करने के टाइम पर बोला गया था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अगर यूट्यूबर्स ना बोले होते तो मेरे ख्याल से इसमें चार्जिंग का पोर्ट तक आज तक ना दिया गया होता। लेकिन अब विक्की जैसी बाइकों से, अगर TVS में विक्की आप जानते हो XL कुछ जिसे बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, उसमें जब चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया तब जाके उन्हें कहीं शर्म आई कि शायद यार अगर हम लोग अपनी कुछ उम्मीद दे सकते हैं तो राइडर में एक चार्जिंग का पोर्ट तो कम से कम दे ही सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई, वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तो यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।